हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, लोकतंत्र में इस नारे को तो आपने यूं कई बार सुना होगा। लेकिन जब एक युवक ने अपना हक मांगा तो उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। मामला उज्जैन जिले के खचरौद जनपद अंतर्गत ग्राम रानी पिपलिया का है, जहां मुकेश नाम के युवक ने सरपंच द्वारा आवास योजना से वंचित किए जाने पर जनपद में शिकायत कर दी, जिसके बाद गुस्साए सरपंच बद्रीलाल ने युवक को रास्ते में रोककर बेल्ट और डंडों से जमकर पीट दिया, जिसकी शिकायत नागता थाने में दर्ज कराकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, मेरा इधर शाम को रास्ते से जा रहा था तो मेरे को रास्ते में रोक के बहुत बेल्ट से मारा। किसने मारा? सरपंच ने और दो आदमी दूसरे थे उसके साथ। जी, तो आपको किन हथियारों से मारा उन्होंने? बेल्ट से मारा। अच्छा, ये कौन सी पंचायत का मामला है? रानी पिपलिया पंचायत। सरपंच का नाम क्या है? बद्रीलाल। अच्छा, पूरा मामला मारपीट का क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों आपके साथ मारपीट करी? यह शिकायत दर्ज करने से। तुमने शिकायत कहाँ दर्ज करी थी पंचायत की? खचरौद करी थी। खचरौद कौन से विभाग में? जनपद में? जनपद में आपने करी थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको रोक के? कि शिकायत वापस लो वरना मारपीट बहुत मारे हैं, मार के फेंकते गए इधर ही। मार के बोल रहा था, बोले रोज का रास्ते का निकलना तुम्हारा इधर ही है, कहाँ जाओगे तुम। सरपंच के खिलाफ आपने थाने में रिपोर्ट करी है? करी है सर साहब। तो पुलिस का क्या कहना है इस पर? पुलिस का कोई कहना नहीं है अभी फिलहाल। लोकप्रिय जननेता, सक्रिय जनसेवक, छतरपुर की जनता के लाडले विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।